एक को जान। पावे सो परवान गुर की महिमा कथन न जाए पार ब्रह्म गुरु रे समाये गुरु की टेक रहो दिन रात लगा रहे तेरा मन एक ही सहारे एक टेक टेक में उसी की टेक में लगा रहे दिन रात दिन रात दिन रात ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन वर्बली यू नो इन इन वर्ड्स शब्दों में अक्षरों में गुरु 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 का ये नहीं कह रहे वो याद बनी रहे याद बनी रहे वर्बलाइजेशन को नहीं प्रमोट किया जा रहा है यहां पर जिसे मां से तुम्हारा संबंध इतना गहरा जुड़ा हुआ होता है जहां गहरी तकलीफ कोई हो वही मां याद आ जाती इतना गहरा संबंध गुरु से जुड़ जाए कि बस वो याद एक बनी हुई है बस वो एक याद इन द बैक ऑफ द माइंड वट एवर यू मे डू ऑल फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज आर हैपनिंग एंड येट द लव ऑफ द मैस्टर इज रिजाउंडिंग एंड एक्ोइंग इन योर हार्ट याद रहे अगर ये चीज तुम्हारे अंदर आ गई तो बेड़ा पार रहे याद करना ना पड़े और वो याद रह जाए ऐसे में मन कहीं उल्टी कोई बात सोच ही नहीं सकता कुछ उल्टा काम कर ही नहीं सकता क्योंकि हमेशा गुरु ही याद आ रहे उन्हीं की स्मृति है उन्हीं का ज्ञान है उन्हीं का नाम है उन्हीं का ध्यान है कहते हैं कि एक गुरु भक्त चला जा रहा था और वृक्ष पर लगे हुए संतरे दिखे अब संतरे का जो रंग है वो कुछ भगवान होता है ऑरेंजिश अल्टोन होती है वो रंग देखते ही गुरु याद आ गए मेरे गुरु यही रंग पहनते सूर्य को डूबते हुए देखा सूर्य को उगते हुए देखा सूर्य भी भगवा वस्त्रधारी हो जाता उस समय पर इज ऑरेंज ह्यूज टोन्स एंड कलर्स आर देयर और अगर कहीं बादल हो, तो वो सारे बादलों में भी रंग छिटक के आ जाता है वो भी वैसे ही हो जाते हैं सुनहरी देखा सूर्यास्त होता देखा सूर्य डूबता हुआ तो भी वो याद आ गए रात निकला चांद चांद को निकले देखकर तो फिर सदगुरु याद आ गए तारे करोड़ों होते हैं चांद एक ही होता है ऐसे चेले हजारों हो सकते हैं पर गुरु तो एक ही होता है प्रसादमेव सर्व मैय सर्व च इतम बीजा सदात्मरूपम रूपम तत्स्या पद्मा प्रणतो अस्मि नित्यम मैं ही सब हूँ मुझ में ही सब कल्पित है ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ ऐसे आत्मस्वरूप श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ सर्व और मैं आत्म ही हूँ सारा जगत मुझ आत्म में ऐसे ही कल्पित है जैसे समंदर में लहरें कल्पित होती हैं जैसे रसी में सर्प कल्पित होता है जैसे आकाश में नीलता कल्पित होती है ऐसे ही ये कल्पित संसार मुझ ब्रह्म में दिखाई दे रहा है इस परम बोध को जिसने मुझे दिया उस सदगुरु को मैं नमन करता हूं नित्य नमन करता हूं रोज नमन करता हूं क्योंकि अब तो जीवन यही ज्ञान हो गया सोते उठते बैठते खाते पीते में ये स्मृति भीतर बनी है ये होश भीतर बनी है ये विवेक भीतर बना हुआ है जितने बार देखता है संसार में घट रहे दुख को शोक को पीड़ा को उतने बार गुरु को नमस्कार करने को जी होता है कि गुरुदेव आप जीवन में नहीं आते तो हम भी इन्हीं की तरह दुखी हो रहे होते छाती पीट के रो रहे होते शोकातुर होते द्वंद्व में पड़े हुए होते कैसी कृपा कर दी जीते जी मुक्ति का मार्ग दिखा दिया अब कुछ हो जाए कुछ भी अब आंदोलित नहीं करता सुख है दुख है शोक है राग है द्वेष है ये सब लहरें तो हमेशा ही चलती रहेंगी हमारे आसपास ये सब होती ही रहेंगी पर गुरु ने काटी ममता मेरी मेरी, मेरी ममता गुरु ने काट दी देखता है जब लोगों को छोटी छोटी कोई चीज़ मिल जाए तो उछलते फिरते हैं अनाउंसमेंट्स करते फिरते हैं दूसरों को दिखाते फिरते देखो मेरे पास ये देखो मेरे पास ये तो उसकी वो हरकतें बचकाने लगती है जब देखता है बेटे बहू पोते पोतियों को याद कर कर के बुढ़े लोगों को रोते हुए तब भी लगता है कि अरे हम तो अच्छे बचे तो शोक और दुख के आंसू रोने पड़ते अगर यह ज्ञान जीवन में ना होता तो जीवन के एक एक कदम पर एक एक दिन में एक एक पहर में जब भी कुछ देखता है तो उसको उतने बार याद सदगुरु की आती अज्ञान तिमिरांदस्य सी चेतसः ज्ञान प्रभा प्रदान प्रसाद में प्रभु हे hey प्रभु अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे बने हुए और विषयों में आक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा कीजिए इस अज्ञान रूपी तिमिर इस रात्रि के गोर दुख से मुझे बचाने के लिए प्रभु ज्ञान का प्रकाश मुझको दीजिए इस ज्ञान प्रभा से मैं आलोकित हो इस जीवन को प्रसाद रूप जीव प्रसाद होता है आनंद प्रसाद शब्द का अर्थ है आनंद मेरा जीवन प्रसादमयी हो जाए मेरे बचपन की एक बात सुनाती हूँ हमारे मेरा एक महात्मा से बहुत लगाव इतना प्रेम इतना प्रेम और ये था कि जब तक दर्शन ना करूँ खाती नहीं थी कुछ पहले भी मैंने उस दिन ये चर्चा थोड़ी आई थी कि बाहर गए चार दिन को तो चार दिन ही भूखे रहना नहीं आएंगे तो दर्शन करके ही खाएंगे ऐसे कैसे खा ले तो एक दिन की बात है वो हम पहुंचे आश्रम में तो पता चला कि वो तो टैची बांधे रिक्शे में सामान लदवा रहे थे स्टेशन जा रहे थे उनको कहीं जाना था कुछ समय तलक उन्होंने एक तरीका निकाल दिया वो क्या करते वो कहते अच्छा हम बच्ची है छोटी है और बुद्धि ऐसी है मेरी के कह सकते हो बालहट कह सकते हो बाल बुद्धि प्रसाद नहीं मिलेगा तो खाएंगे नहीं तो वो ना जाने से पहले ए, मिश्री हमको दे जाते कहते देखो ये हमने प्रसाद दे दिया हम यहाँ ना हो तो इसी में से एक दाना खा लो तो हमारा प्रसाद हो गया फिर खा लेना तो हम राजी हो गए मैं ठीक है ये ये ठीक है कह रहे भूखे मत रहे नहीं रहेंगे अब हुआ यूं कि एक बार वो गए हुए थे और पीछे से वो मिश्री भी खत्म हो गई तो हम फिर छोड़ दिए निकालेंगे अब फिर इस विषय का जब उनको ज्ञान हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है मतलब तुम तो तैयार ही बैठे हो अनशन करने के लिए कभी इस बात पे तो कभी उस बात पे शरीर अस्वस्थ हो जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए सुनती रही मैं उनकी बात फिर एक बात मेरे मन में आई मैंने कहा अच्छा आज फिर आप एक काम कीजिए कहते जो बोले सो हम करेंगे मैंने कहा फिर तो आज हमारे सर में हाथ रखिए हम ही को प्रसाद बना दीजिए क्या खाएंगे प्रसाद कब तक तो खाएंगे ये जीवन ये जीवन ही प्रसाद रूप हो जाए जब आपके हाथ छूने से मिश्री प्रसाद हो सकती है सेब प्रसाद हो सकता है तो फिर हम ही को छू दीजिए तो हम ही प्रसाद हो गए फिर हम हमारे ही नहीं रहे फिर तो हम ईश्वर के ही हो गए तो ये जो मुसीबत हर बार की बनी रहती है और वो भी परेशान होते थे तो इससे भी तो बड़ा हंसे इस बात को सुन के और बहुत प्रेम से बड़े भाव से उन्होंने अपना हाथ हमारे सर में रखा और कहा बस ठीक है फिर आज से तू ईश्वर की हुई तू प्रसाद हो, तू चलता फिरता प्रसाद हो गया अब तुझे किसी प्रसाद की ज़रूरत नहीं हर आध्यात्मिक जीवन जीने वाले के जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट गट जाती हैं जिससे उसकी सारी जिंदगी बदल जाती है और एक छाप लग जाती है उसके जीवन पर और मेरे तो इस जीवन में इतने महात्मा आए हैं सबकी ही अपार कृपा मिली है कि आज भी जब हम घर नहीं रहते हैं आज वर्षों हो गए हमें घर छोड़े हुए तो भी वो कभी अमृतसर चले जाएं तो भी वो घर चले जाते हैं तो कहते हैं गुरु मां का घर है मेरा नाम लेकर के तो गुरु प्रीति का घर है ये उसके घर तो ज़रूर जाएंगे तो कई बार जो घर में लोग रहते हैं वो तैयार भी नहीं होते कि कोई महात्मा आ जाएगा अचानक से पर वो आ जाते क्योंकि कभी आते थे मेरे रहते हुए आज मैं वहाँ नहीं हूँ तो भी आते तो वो बुलाएँ ना बुलाएं मतलब ही कोई नहीं वो कह रहे घर तो उसका है और उसके लिए हम पहले भी आते थे अब भी आएंगे ही आएंगे तो फोन कर देते अच्छा भाई आ रहे ये जीवन प्रसाद रूप हो जाए ये जीवन आनंद रूप हो जाए और गुरु का यह कृपा प्रसाद तुम्हें नसीब हो सके याद रहे जो काम तुम्हारे हिस्से के करने वाले हैं अगर आप उसको नहीं करते तो बोलते रहने से कि गुरु जी प्रसाद बना दो गुरु जी आशीर्वाद दे दो होने वाला कुछ नहीं संसार के प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं आप उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते आठवीं मंजिल से छलांग नीचे लगाओगे तो हड्डी पसली टूटेगी क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है नियम को कैसे तोड़ेंगे इसी तरह से सिर्फ शुद्ध चित्त निर्मल चित्त राग द्वेष से रहित चित्त आहंगता ममता से रहित चित्त में ही ज्ञान का प्रकाश हो सकता है दूसरे में होगा नहीं तो बजाय कि तुम गुरु को कहो करो शिकायत के गुरुजी हमको ये कब मिलेगा तुम अपना चित्त देखो तुम अपना मन देखो क्या उज्जवल है क्या निर्मल है क्या शुद्ध है क्या से रहित है क्या आलस्य और तमस से रहित है क्या तुम्हारे भीतर विवेक वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित है क्या तुम बिना किसी को कहे बताए अपनी साधना को बहुत निश्चय से कर रहे हो पूछो ये सवाल अपने आप से साफ आसन पर मेहमान को बैठाया जाता है गंदे आसन पर नहीं ऐसे ही तुम्हारे दिल के आसन का शुद्ध होना साफ होना आवश्यक है तभी तो परमेश्वर उस पर आसीन होगा यू रियली नीड टू वर्क ऑन दिस मन में मैल ना रहे खाने का पीने का सोने का दिखाने का हर क्रिया में इस बात के लिए सजग रहे कि कहीं वो कुछ लोभ कृष्णा वासना की लहरें तो नहीं कहीं उठ रही मेरे अंदर जहाँ जहाँ दिखे उस उस को छोड़ दो स्वामी थे एक बात कहा करते थे कि तुम्हारे को जो सबसे प्रिय हो जिसके बगैर तुम रह नहीं सकते हो हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज कोई वस्तु कोई व्यक्ति होता है रामतीर्थ कहते थे तुम्हें जो सबसे ज्यादा प्रिय है जिसके लिए तुम ये सोचते हो कि तुम इसके बगैर नहीं रह सकते हो उसी का त्याग कर दो तभी समझ पाओगे तभी समझ पाओगे कि मन ममता से रहित कैसा होता है क्योंकि तुम जितना छोड़ना चाहोगे उतना ही मुश्किल होगा जितना छोड़ना चाहोगे उतना ही पकड़ेगा तो ढूंढो अपनी कमजोरियों को जो है बस उसी को टारगेट बनाओ सबसे पहले एक छोटा सा सवाल लेती हूं प्रश्न भेजा है किसी ने वो पूछते हैं कि जो गुरु अब देह में नहीं है क्या वो शिष्य की सहायता कर सकते हैं मैं दूसरे गुरुओं के विषय में तो क्या टिप्पणी दूं पर मैं इतना कह सकती हूं हम जिंदा हैं जब हम जिंदा गुरु को गच्चा देने में ये चेले उस्ताद हैं तो मरा हुआ गुरु खाक करेगा मदद तुम्हारी जिंदा गुरु को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं झूठ बोलते हैं बहाने बनाते कई दफे तो छोड़ देते हैं कि क्या करें अब और फिर जब पकड़ लें पकड़ने की धुन में आ जाएं और जब पकड़ लें तो फिर तो मतलब ना इनका बस चले तो ऐसा कुपित तो, क्रोधित तो होते हैं क्या बोलते हैं ना पर्दे ढके ही रहने दीजिए पर्दे ना खोलिए वो गाना था ना पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा तो तुम लोगों के भी भेद ना ये पर्दों में ही है इसीलिए तो हम हाँ हाँ जी हाँ जी करते रहते तुम बोलते हो मैं आपसे बहुत प्यार हूँ हाँ ठीक है हम आपको बहुत याद करते हैं हाँ ठीक है हा, तुम हर बात को हाँ कर देते तुम खुश रहो खुशी खुशी घर जाओ क्योंकि अगर कहीं हमने पर्दा उठा दिया मर जाओगे तुम क्या करे क्या करे गुरु क्या करे तो जब जिंदा गुरु ये परेशानियों को भोगना पड़ता है तो मरा हुआ गुरु क्या करेगा शास्त्रों में किन्हीं किन्हीं योगी गुरुओं के विषय में ऐसा उल्लेख आता है कि जिन्होंने स्व इच्छा से देह त्यागी है स्व इच्छा से देह त्यागी है और जो सक्षम है किसी भी समय पर फिर नया एक स्थूल शरीर रचने की ईश्वरीय ये ये शक्ति जिनके पास है शायद वह गुरु कुछ मदद कर पाए लेकिन जो निकम्मा आदमी गुरु के जिंदा रहते कुछ लाभ ना ले सका ऐसे निकम्मे के लिए मरा हुआ गुरु क्या वापिस आना चाहेगा Isn't इट odd? Isn't it इट इवन दिस क्वेश्चन इज सो Why do डू यू एक्सपेक्ट दैट द डेड गुरु शुड हेल्प यू एंड हाउ कैन सोच के देखिए तुम गुरु मर मर चुके हो शरीर छोड़ चुके हों और तुम साधना के लिए बैठने लगो और वो तुम्हारे सामने प्रकट हो गए तुम भाग जाओगे उसको भी भूत समझ लोगे किन्हीं योगी गुरुओं के विषय में ऐसा कहा गया है और वह भी हर एक के पीछे थोड़ी डंडा लेके चल रहे हैं जो कोई उनका बड़ा परम शिष्य था अब उनकी जीवन लीला है उन्होंने समाप्त कर दी उन्होंने स्थूल शरीर त्याग दिया बहुत लोग ये सोचते हैं बहुत लोग ये कहते हैं जैसे जैसे किसी महात्मा ने मान लीजिए ये कहा कि मेरे चले जाने के बाद भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा वहाँ वह व्यक्ति गुरु होकर के नहीं कह रहा वहाँ वह परमात्मा स्वरूप होकर के कह रहा है और परमात्मा स्वरूप तो हमेशा ही आपके आसपास है वो तो कभी दूर गया ही नहीं है तुमसे पर कई लोग इस कथन को गुरु के उस व्यक्तित्व के साथ जोड़ देते उस पर्सनैलिटी के साथ जोड़ देते कई एक ऐसी जगह हैं जहाँ कोई सौ साल या दो सौ साल पहले कोई गुरु हुए थे आज उनकी समाधि है दुनिया आज भी वहाँ जाती है और दुनिया की ये भावना है कि वहाँ जाने से वो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं तो ऐसी बात लोग सोचते हैं मानते हैं जाते हैं देखिए मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है कारण कारण ये मनुष्य का मन बड़ा शक्तिशाली जो मान ले जो सोच ले वैसा होता है लाहौर की बात है लाहौर में एक व्यापारी ने ये बात उसके जीवन में घटी थी ये बात कही कि एक दिन वो वापिस आ रहा था गांव, घर अपने तो क्या देखता है एक पक्षी होता है जिसका नाम है गालड़ पंजाबी में उसे गालड़ बोलते एक गालड़ मरी पड़ी थी कह रहे बस देख के बड़ा खराब सा लगा कि इसको तो कुत्ते खा जाएंगे बिल्ली खा जाएगी तो कहते मैंने एक गड्ढा खोदा और उसमें उसको डाला और उस ऐसे मिट्टी का ढेर लगा दिया जैसे किसी आदमी को दफना हो तो एक माउंड ऑफ अर्थ बन जाता ना ऐसे मिट्टी का ढेर सा तो कह रहे ऐसे ही मैं मैं देखा वहाँ छोटी सी एक ना वो झंडी सी पड़ी थी कागज़ की बनी तो मैंने उसको डंडी में लपेटा और उसके ऊपर ऐसे उसको लगा दिया क्योंकि जब आप किसी को दफनाते हो तो उसका वो एपिटा लगाते हो कि यहाँ कौन है तो उसने वो लगाया वो ले कोयले का टुकड़ा था मेरे पास उसके ऊपर मैंने लिख दिया गालड़ फिर मैं चला गया फिर कह रहे कोई दो चार महीने बाद जब मैं गुजरा तो क्या देखता हूँ वहां दस पंद्रह लोग और बैठे हुए हैं और वहां हरे हरे झंडे लगे हुए हैं कह रहे मुझे समझ नहीं लगी ये क्या है कह रहे मैं जाकर बैठा मैंने कहा भाई क्या है कह रहे एक सज्जन बोला कह रहा क्या आप जानते हैं यहाँ जहां आप आए हैं आपको कुछ पता ही इनके बारे में बड़ी शक्ति यहां पर कह रहे क्या मतलब कह रहा हाँ मुझे मालूम है यहां कौन है तो सब उस उसके पांव में पड़ गए जय हो बोले तो किस बात की कह रहे आपने उनको अपने हाथ से दफनाया है आपने उनका दीदार किया है हम तो आप पर कुर्बान और कोई आया उनके सर में पगड़ी बांध दी और कोई आया और उनके आकर के ऐसे दो शाला बिछा दिया और कहा जी आप यहाँ बैठिए नहीं तो वो क्या रहा है भाई बताओ तो सही कह रहे जी मैं दो दिन पहले निकला बड़ा परेशान था मेरी रकम डूब गई थी मैं यहाँ आकर के बैठा तो नज़र पड़ी लिखा था यहाँ झंडी पे देखा गालड़ मैंने कहा पता नहीं किसकी ये समाध है तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ अगर मेरे पे मेहरबान हो तो मैं जहां जा रहा हूं मेरी वो रकम मुझे वापस मिल जाए किरे ऐसी बस सोचते सोचते गया और काम हो गया और घर जा करके उसने दो लोगों को और बताया दो ने आगे चार को बताया चार ने आगे दस को बताया तो अब सुबह शाम वहां मेला लगने लग गया किरे पर हमें इस शख्सियत के बारे में कुछ पता ही नहीं है आज आप आए हो आज आप हमको कुछ बतलाइए इनके बारे में वो आदमी सोचे मैं क्या बोलूं ये जो तो कोई पीर फकीर समझ के बैठ गए है क्या पक्षी और लोगों की भावनाएं ऐसी जुड़ी हैं कि उसको चुप रहने में ही अकलमंदी लगी चुप रहा हो वो तो निकल लिए वहां से फिर दो चार साल में वहाँ तो वो पक्का कर दिया आठ फिट की कब्र बना दी कमरा हो गया फिर किसी ने हॉल बनवा दिया फिर कोई लंगर लगने लग गए फिर हर वीरवार को वहा मेला लगता है और बड़ा सा बोर्ड लग गया पीर गाल पीर कवाल के वहाँ कवालियाँ कर रहे हैं बाजे गाजे हो रहे हैं उस आदमी ने लिखा कि अगर एक अनजान मरे हुए पक्षी को पीर बनाया जा सकता है तो किसी मानव को तो फिर खुदा भी बनाया जा सकता है आदमी का मन है अब आप सोचिए हजारों लोग जो वहां पर जा रहे हैं उनकी वो कहते हैं हमारी मान्यता पूरी गालड़शा पीर कर रहा है ये बात रहस्य थी रहस्य ही रह गई कह रहे मैं बोल नहीं पाया कि असलियत क्या है आपका मन कुछ भी मानने लग जाए तो मन के अंदर की जो दैवी शक्ति है वह कार्य करने लग जाती है और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कहीं ना कहीं जब मन अटक जाता है श्रद्धा से एकाग्र होने लग जाता है बार 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 ये विश्वास मन को आने लग जाए ये काम हो जाएगा ये हो जाएगा ये काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा ये जो आप स्टिमुलस भेज रहे हैं ना नेचर को नेचर उस कार्य को कर देगी क्योंकि तुम्हारा मन उस परम शक्ति से जुड़ा है तुम्हारा मन माया से जुड़ा है जिस माया ने इतने संसार को रच दिया उसी का हिस्सा है यह तुम्हारा छोटा सा मन पर जब यही मन की एकाग्रता भावना श्रद्धा बढ़ जाए तो जो सोचो वो हो जाएगा करके देख लो प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में जहां आप पाएंगे जीवन को नवीन दिशा देने वाले लेख आगामी कार्यक्रमों की जानकारी शिविर रजिस्ट्रेशन की सुविधा आश्रम की संपूर्ण जानकारी DVDs, DVDs तथा पुस्तकों को खरीदने व डाउनलोड करने की सुविधा अनुपम प्रवचन भजन गुरबाणी कीर्तन आदि के वीडियोस का विशाल संग्रह है और बहुत कुछ अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण जुड़े विचारशील बने अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं अभी लॉग ऑन करें डब्लू डब्ल्यू